हेलो फ्रेंड एंड वेलकम वंस अगेन टू स्पोर्ट्स मावन। आज जो हम टीम बनाने जा रहे हैं वो है ए लीग मैच बिटवीन वेलिंगटन फीनिक्स एंड ब्रिस्बेन रोर। फ्रेंड सबसे पहले देख लेते हैं ए लीग का पॉइंट्स टेबल। पॉइंट्स टेबल में वेलिंगटन फीनिक्स जो आज होम टीम है, इनके 11 मैचेस में 11 पॉइंट्स हैं और ये 10th पोजिशन पर है। 3 मैचेस इन्होंने जीते हैं, 2 ड्रॉज एंड 6 लॉसेस। 16 गोल्स इन्होंने किए हैं, 18 गोल्स कंसीड किए और -2 का इनका गोल डिफरेंस है। लास्ट 5 मैचेस की इनकी फॉर्म देखें तो 2 विक्ट्रीज इन्होंने लास्ट 5 मैचेस में हासिल किए हैं अलॉन्ग विद 2 लॉसेस एंड 1 ड्रॉ। ऑन दी अदर एंड अगर अवे टीम को देखें जो कि ब्रिस्बेन रोर है, इन्होंने भी 11 मैचेस खेले हैं, 15 पॉइंट्स इन्होंने अर्न किए हैं। इसका स्टार्ट काफ़ी अच्छा रहा था, इंप्रेसिव रहा था काफ़ी स्टार्ट का इस सीज़न, लेकिन लास्ट 5 मैचेस के अंदर इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिप हुई है। एक भी मैच नहीं जीते हैं लास्ट 5 मैचेस में, 3 मैचेस ड्रॉ हुए हैं और 2 मैचेस में इन्हें लॉस भी हुआ है। ओवरऑल 4 मैचेस जीते हैं, 3 ड्रॉज रहे हैं और 4 लॉसेज ही उनको हुआ है। 15 गोल किए हैं, 13 गोल कंसीड किए हैं, +2 का गोल डिफरेंस है। फ्रेंड्स हमें लग रहा है कि इस मैच में दोनों टीम्स के जो फॉर्म्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। वेलिंगटन फीनिक्स इज कंसिस्टेंटली इम्प्रूविंग, ऑल्दो लास्ट मैच में डाइंग सेकेंड्स में हार गए थे 4-3 से, और ब्रिस्बेन रोर भी अपना लास्ट मैच हार के आए हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी देखें तो वेलिंगटन फीनिक्स की लास्ट 5 मैचेस में थोड़ी सी बेटर रही है ब्रिस्बेन रोर से। तो हमें लगता है कि ये मैच या तो वेलिंगटन फीनिक्स जस्ट निक कर सकता है या फिर ये 1-1 से ड्रॉ भी हो सकता है। इनफैक्ट इस मैच की प्रेडिक्टेबिलिटी काफ़ी हाई है, दोनों में से कोई भी टीम इसको एक बहुत स्मॉल मार्जिन से जीत भी सकती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स टीम न्यूज़ और प्रेडिक्शन की तरफ। वेलिंगटन फीनिक्स की तरफ से ल्यूक डिवेर जो है, उनको सीज़न के बीच में एक इंजरी हुई थी जिसकी वजह से वो पूरा सीज़न के लिए बाहर हो गए, तो वो इस मैच में स्टार्ट नहीं करेंगे। ब्रिस्बेन रोर के लिए थोड़ा सा सेटबैक है, उनके वेटरन स्ट्राइकर स्कॉट मैकडोनल्ड वो हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से इस मैच को स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा दोनों कोचेस के लिए कोई सिलेक्शन हेडेक्स नहीं होने चाहिए इंजरीज की वजह से। स्टार्टिंग लाइनअप्स में देखते हैं तो वेलिंगटन फीनिक्स विल स्टार्ट विद सेल इन गोल, फेंटन, पेन, मैगिंग एंड मैगैरी इन डिफेंस, डाविया, रूफेर, लुइस एंड पिस्कोपो इन मिडफील्ड एंड हामेद एंड वेन एज स्ट्राइकर्स। ब्रिस्बेन रोड की तरफ देखें तो यंग विल स्टार्ट इन गोल, डिफेंस में ट्रिविन, ऑलरेड, मैकॉले गिलेस्वी और हिंगर्ट, और मिडफील्ड में देखें तो अकबरी, जे ओशे, कोरी ब्राउन और रिको डांजाकी, एब्रातू और वेंदल हॉल जो है ये आपको अटैकिंग लाइन में दिख सकते हैं। जैसे कि हमने फ्रेंड्स आपको बताया प्रेडिक्शन, हमें लग रहा है ये मैच 1-1 से ड्रॉ हो सकता है और कोई भी टीम इसे स्मॉल मार्जिन से 2-1 से जीत भी सकती है, तो काफ़ी क्लोजली फॉट मैच होने की आशा है। हाउएवर आप जानते हैं कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी इज़ द नेम ऑफ द गेम व्हेन इट कम्स टू फुटबॉल, सो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। देख लेते हैं वेलिंगटन फीनिक्स की तरफ से कुछ की प्लेयर्स। तो इनकी तरफ से डाविया हैं जिन्होंने 4 गोल और 1 असिस्ट किया है, बॉल जिन्होंने 3 गोल अभी तक स्कोर किए हैं, वेन जिन्होंने 2 गोल अभी तक स्कोर किए हैं, ब्राटोविच जिन्होंने अभी तक 2 गोल्स स्कोर किए हैं। उसके अलावा पिस्कोपो जिन्होंने 1 गोल और 2 असिस्ट किया है, ये भी आप कंसिडर कर सकते हैं। हमेद ने भी 1 गोल और 1 असिस्ट किया है। तो जैसे हमने बताया कि वेलिंगटन फीनिक्स जो है ऑफ लेट इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस शुरू किया है, तो इनके स्ट्राइकर्स को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं देखते हैं ब्रिस्बेन रोर के की प्लेयर्स। तो वेंजल हॉल्स जो है जिन्होंने 6 गोल्स और 2 असिस्ट किए हैं, इनको ज़रूर आप अपनी टीम में रख सकते हैं। रिको डांजाकी जिन्होंने 1 असिस्ट किया है और 3 गोल्स किए हैं। स्कॉट मैकडोनल्ड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा था स्टार्ट में, लेकिन वो आउट है हैमस्ट्रिंग इंजरी की वजह से, इसलिए वो इस मैच में स्टार्ट नहीं करेंगे। मैकॉली गिलेस्पी इनके डिफेंस में है, डिफेंसिव रिटर्न्स तो देते ही हैं और अटैकिंग रिटर्न्स में भी 1 गोल 1 असिस्ट अभी तक दे चुके हैं। सिमिलरली फॉर हिंगर्ट हु इज़ आल्सो गिविंग गुड रिटर्न्स इन डिफेंस एंड आल्सो
गिविंग गुड अटैकिंग रिटर्न्स, एक गोल एक असिस्ट कर चुके हैं, चांसेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मिडफील्ड में जे ओशे और कोरी ब्राउन का आप देखें तो असिस्ट पोटेंशियल काफ़ी हाई है, चाहे उन्होंने कोई गोल स्कोर नहीं किया है लेकिन 11 मैचेस में 5 असिस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, तो ही शुड रियली बी पार्ट ऑफ योर टीम। तो फ्रेंड्स ये हैं कुछ की प्लेयर्स दोनों टीम्स के, आगे बढ़ के देख लेते हैं हमारी ड्रीम इलेवन टीम फॉर हेड टू हेड कॉन्टेस्ट एंड स्मॉल लीग जो आप खेल सकते हैं। तो वी गॉन फॉर यंग हिंगर्ट एंड गिलेस्पी जो कि ब्रिस्बेन रोर की तरफ से हमने डिफेंसिव ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं। मैकगैरी को हमने सेलेक्ट किया है वेलिंगटन फिनिक्स की तरफ से। मिडफील्ड में वी गॉन फॉर जे ओशे, कोरी ब्राउन, रूफर जिनका असिस्ट पोटेंशियल भी काफ़ी हाई है, और डाविया। फॉरवर्ड्स में वी सिलेक्टेड वेंजल हॉल, मोराटोविच एंड बॉल। आप चाहें तो वेंजल हॉल और डाविया को कैप्टन और वाइस कैप्टन में इंटरचेंज भी कर सकते हैं क्योंकि डाविया का ही होम मैच है। हम फ्रेंड्स आपको बता दें कि हमने अज्यूम किया है यहाँ पे कि 1-1 का ड्रॉ हो सकता है या कोई भी साइड इसको 2-1 के मार्जिन से जीत सकती है। सो फ्रेंड्स दिस इज आवर ड्रीम इलेवन टीम। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमने हाल ही में अपना टेलीग्राम चैनल भी चालू किया है जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स वी विल ऑल्सो बी कमिंग बैक विद आर फाइनल ड्रीम इलेवन टीम वंस द फाइनल लाइनअप्स आर अनाउंस्ड। सो स्टे ट्यून्ड एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस मैच। थैंक यू।